हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक फूड सरोत्रिदी। आज हम बनेंगे पाइनएप्पल केक। 500 ग्राम का ऑर्डर है। यहाँ पे हम होममेड प्रीमिक्स से रेडी कर रहे हैं, तो होममेड प्रीमिक्स ले लेंगे हम 240 ml कप से। तो प्रॉपर हमें मेजरमेंट लेना है, और ये प्रीमिक्स दो केक का है, दो 500-500 केक का प्रीमिक्स रेडी होगा। यहाँ पे दो ऑर्डर है, तो मैं साथ ही में दो केक का प्रीमिक्स रेडी कर ली हूँ। तो अच्छे से सारी सामग्री डाल के छान लेना है और उसे साइड में छोड़ देना है। एक मैंने कप यहाँ पे ले लिया है, 240 ml कप से मैंने मिल्क दूध में मैंने डाल दिया था विनेगर, उस फट गया, तब मैं दूध में प्रीमिक्स में थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लास्ट में मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है, वो वेजिटेबल ऑयल लेना है, कोई फ्लेवर वाला ऑयल लेना नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसे दो पार्ट में मैं डिवाइड कर लिया, क्योंकि दो केक है हमारे 500-500 ग्राम की। एक में पाइनएप्पल एमल्सिस डाला है, एक में वेनिला एसेंस डाला है। अच्छे से टैप टैप करके प्री हीट ओटीजी में मैंने 170 डिग्री टेम्परेचर और 25 मिनट के लिए नीचे की रोड ऑन रख के मैंने बेक कर लिया। बेक होने के बाद फ्रिज में ठंडा होने छोड़ दिया था। उसके बाद ये केक मेरा बाहर आ गया है, उसे मैं तीन लेयर काट लूँगी। तो 500 ग्राम का केक का ऑर्डर है, इसलिए तीन लेयर काटोगे तो थोड़ी हाइट मिल जाएगी हमें, और यहाँ पे उसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा है, ऊपर की डिज़ाइन ऐसी है इसीलिए। तो यहाँ पे ये सोख हो रहा है, पाइनएप्पल क्रस मैंने पानी डाल दिया था, तो आधी कटोरी पानी लिया था, उसमें दो चम्मच पाइनएप्पल क्रस डाल दिया है, वही उससे सोख कर लेंगे, ऊपर भी क्रीम हम स्प्रेड कर लेंगे। तो 500 ग्राम केक में 240 ml कप से एक कप हमारी व्हीप क्रीम जाएगी। यहाँ पे मैंने दो केक 500-500 ग्राम की रेडी की है, तो क्रीम मैंने व्हीप की थी 240 ml कप से दो कप। यहाँ दोनों में मैं इक्वल डिवाइड कर लूँगी, यानी 240 ml कप से एक कप हमारी आएगी। तो यहाँ पे दूसरी लेयर में भी हम पाइनएप्पल क्रस वाले पानी से सोक कर लेंगे, व्हीप क्रीम ले लेंगे, उसके ऊपर क्रस पाइनएप्पल डाल देंगे, और तीसरी लेयर ले लिए उसे अच्छे से हम सोक कर लेंगे, और अब कर लेंगे क्रम कोटिंग। तो क्रम कोटिंग अच्छे से कर लेंगे। क्रम कोटिंग होने के बाद केक हमारा जाएगा फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम कर लेंगे उसकी आइसिंग। तो अच्छे से यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे, कहीं भी हमारा केक दिखेगा नहीं, क्रम दब जाएंगे। तो यहाँ पे आइसिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्रीम हल्का सा कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कस्टमर ने पहले भी ऑर्डर दिया था, उनको ऐसी केक पसंद है, और मेरी ये पाइनएप्पल की केक उनको बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने वही केक रिपीट की थी। तो यहाँ पे अच्छे से मैं दे दूँगी फिनिशिंग, और उसके ऊपर मैं न्यूट्रल जेल ले लूँगी। तो न्यूट्रल जेल मैं येलो जेल कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। तो केक यहाँ पे ये आइसिंग होने के बाद फ्रिज में ठंडा होने छोड़ दूँगी, उसके बाद न्यूट्रल जेल स्प्रेड कर लूँगी, तो अच्छे से डिजाइन उभर के आ जाएगी। तो यहाँ पे हो रहा है ये फिनिशिंग, और अच्छे से क्लीन कर लेना है। जो केक में फिनिशिंग और क्लीनिंग नहीं होगी तो डिजाइन नहीं अच्छे से उभर के आएगी, और हमारा केक अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखो, न्यूट्रल जेल में मैंने दो ड्रॉप पाइनएप्पल एमल्सिस डाल दिए हैं, जिससे कलर और फ्लेवर दोनों आ जाएंगे, और हमारी ये न्यूट्रल जेल में कलर और अच्छे से रहेगी। तो यहाँ पे मैं पहले ड्रिप वाला डिज़ाइन कर रही थी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए पूरा मैंने स्प्रेड कर लिया। तो हल्के हाथ से स्प्रेड कर लेना है पूरा न्यूट्रल जेल, और ये न्यूट्रल जेल खाने में हल्का सा खट्टा और मीठा लगता है, थोड़ा स्वीट आता है। तो यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, और अब नीचे से भी मैं पूरा स्प्रेड कर लूँगी, उसके बाद मैं ऊपर की गार्निश की तैयारी कर लूँगी। तो मैं चॉकलेट ले लूँगी डार्क कंपाउंड, उसे मेल्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे बॉर्डर मैंने बना ली है, और चॉकलेट को मेल्ट करके मैं मोल्ड में डाल के उसे सेट होने फ्रिज में छोड़ दूँगी। बस ऊपर की डेकोरेशन वही की है और कुछ की नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर हमें बॉर्डर बना लेना है, और सिल्वर स्प्रे कर लेंगे, क्योंकि ऊपर गार्निश आएगी, उसके बाद सिल्वर स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि डार्क चॉकलेट वाली है। तो यहाँ पे मैं वाइट कंपाउंड ले लिया मेल करके और स्प्रेड कर लिया है, और यहाँ पे वही प्रोसेसर से मैंने भी किया है, और दो मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने रख दिया था, और हमारी ये चॉकलेट रेडी हो गई। तो ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, और खाने में भी टेस्टी होती है।
तो ये रेडी हो गया हमारा ऊपर गार्निश। और ये मैंने चॉकलेट गनास ले लिया, ड्रॉप ड्रॉप करके मैं यहाँ तक की करने वाली थी, लेकिन तब तक डोरबेल बज गई थी, मेरा बच्चा आ गया था, तो मैं हाफ राउंड में ही हो गया। पर कोई बात नहीं, फिर भी डिजाइन अच्छी लग रही थी और कस्टमर को बहुत पसंद आई। और इस बाजू में भी मैंने चॉकलेट अच्छे से चिपका दी, पहले आमने सामने चिपका ली, फिर बाजू में जो भी जगह बची वहाँ पे चिपका के पूरी 6 चॉकलेट नीचे और ऊपर 3 लगा के हमारा केक रेडी हो गया था। आई होप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।